तो मैम ने मेरे खींच के चाटा मारा और बोली इसे ना पैड बोलते हैं और ये सिर्फ लड़कियां यूज करती है, लड़के नहीं, समझे। और ये सुन के जस्सी खड़ा हो गया, कह रहा हो मैम एक गल दसो, अगर पैड सिर्फ लड़कियां लगाती है तो विराट कोहली क्या लड़की है? मेरा नाम दीपांशु है और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, वहाँ से जहाँ से सब लोग बताने में शर्माते हैं। कोई गैस करेगा? वो भाई अरे मैं पीछे शो कर रहा था, मैंने उसमें यही पूछा कि मैं वहाँ से हूँ जहाँ से सब बताने में शर्माते हैं। ऑडियंस में से एक ऐसी बैठा था हरामी, उठ के कह रहा है जीबी रोड से। और उसके बाद पूछ भी रहा है, कह रहा है ना सही बोला ना। तो अभी कल मैं आ रहा था यहाँ पे, आते हुए मुझे रास्ते में सीपी में पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कह रहा लाइसेंस दिखाओ कहाँ से हो, मैंने कहा जमुना पार, कह रहा फिर तो पेपर भी दिखाओ। पता नहीं अमित शाह जैसा तो नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन पेपर मांग रहा था तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा सर मैं हिंदू हूं। मैंने कहा सर मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मुझसे क्यों पेपर मांग रहे हो? तो कहता कैसे मान लूँ, अब तू पेपर के साथ अपना वो भी दिखा। अच्छा मैं ना आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्कूल में ना मेरा पेन चोरी हो गया, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि आज हम प्रेयर में नहीं जाएंगे, आज हम करेंगे सबके बैग चेक। तो हमने लाइन से सबके बैग चेक करे और एक लड़की के बैग में हमें मिला सैनिटरी पैड। हम छोटे थे, हमें नहीं पता था क्या होता है। तो ये देख के मेरा दोस्त जस्सी जो सरदार था वो चिल्लाया, कह रहा हूँ पैंचो इतना छोटा तकिया। कह रहा ये कौन लगाता होगा? मैंने कहा अबे जस्सी तुझे ये भी नहीं पता ये क्या है? कह रहा नहीं भाई। मैंने कहा ये है ब्लैक बोर्ड मिटाने वाला डस्टर। तो बोला भाई एक बात बता, अगर ये डस्टर है तो ये इसने इतना छुपा के क्यों रखा हुआ था? मैं कह रहा बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा जस्सी एक तो तू सरदार ऊपर से समझदारी की बात कर रहा है। मैंने कहा ये ना शायद टीचर को देना चाहती होगी, टीचर को देके हीरो बनना चाहती होगी कि मैं नया डस्टर लाई हूं, लेकिन अब ये टीचर को दूंगा मैं, हीरो बनूंगा मैं। क्या पता मैम खुश हो के मुझे एक दिन का मॉनिटर ही बना दे। तो मैंने वो लिया, पहले तो मैंने उससे ब्लैक बोर्ड मिटाया। प्रोडक्ट देने से पहले चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने वो रख दिया टीचर टेबल के ऊपर। नीचे से मैम आई, मैम ने वो देखा, मैम की तो चीख निकल गई। मुझे पता था कि मैम खुश होंगी लेकिन इतनी ज्यादा। मैम चिल्लाई, कह रही कौन लाया है ये? मैंने प्राउड से हाथ उठाया, जी मैम मैं लाया हूं। कह रही क्यों लाए हो? मैंने कहा आपके लिए। मैंने कहा वो पुराना वाला गंदा हो रहा था, मैंने सोचा नया ले चलूं। मैम कह रही तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, और ये इस पे लग क्या रहा है ये बताना। मैंने कहा मैम वैसे तो एकदम नया है, बस यूज किया है एक बार। कह रही किसने? मैंने कहा मैंने। कह रही और फिर मेरी टेबल पे रख दिया? मैंने कहा हाँ आपको तो जरूरत पड़ती रहती होगी। तो मैम ने बड़े प्यार से समझाया, कह रही बेटा इसे ना सिर्फ पीरियड्स में यूज करते हैं। तो मैंने कहा मैम पीरियड ही चल रहा है। मैम उठी, प्रिंसिपल मैम को बुलाने चली गई। माँ मैं यहां बैठा खुश हो रहा हूं कि आज तो इनाम मिलेगा। आज से पहले प्रिंसिपल मैम हमें बुलाती थी, आज वो खुद चल के आ रही है मिलने। प्रिंसिपल मैम आई, वो चिल्लाई, कह रही किसका है ये? मैंने कहा मैम दीपांशु का। कह रही कौन दीपांशु? मैंने कहा। कह रही स्कूल में क्यों लाए हो इसे? मैंने कहा लाया तो वैसे मैं मैम के लिए था,
लेकिन देखो इस्तेमाल तो हमारी पूरी क्लास ही करेगी। कभी जरूरत पड़े तो आप भी ले जाना। तो मैम बोली, पहली बात तो ये कि ये ना शेयर करने की चीज़ नहीं है। मैंने कहा लेकिन मैम हम तो करते हैं, हमसे कभी कभी साइड वाली क्लास के बच्चे ही मांग के ले जाते हैं, हम दे देते हैं। तो मैम बोली तुम्हें पता भी है ये क्या है? अब मैं बैठा सोच रहा हूँ कि मतलब यार ये डस्टर तो नहीं है। मैंने कहा मतलब जस्सी सही कह रहा था। मैंने कहा मैम छोटा था किया? तो मैम बोली कि इसे ना सैनिटरी नैपकिन बोलते हैं, और जब तो हम छोटे थे हमें बस नैपकिन ही पता था। मैंने कहा फिर तो ये मैम के और काम का है, क्योंकि मैम आज हैंकी लाना भूल गई है, मुंह धोएंगी इसी से पोछ लेंगी। तो मैम ने मेरे खींच के चाटा मारा और बोली इसे ना पैड बोलते हैं, और ये सिर्फ लड़कियां यूज करती है, लड़के नहीं, समझे? और ये सुन के जस्सी खड़ा हो गया, कह रहा ओहो मैम एक गल दसो, अगर पैड सिर्फ लड़कियां लगाती है तो विराट कोहली क्या लड़की है? तो मैम ने एक चांटा दिया जस्सी में भी और बोली अब तू थोड़ी देर के लिए मनमोहन सिंह बन जा। और फिर मैम वापस आई मेरे पास और बोली अब तुम बता रहे या तुम्हारे घर पे फोन मिला दूं? तो मैंने बता दिया। मैंने कहा मैम शिवानी का है? वहां से शिवानी उठ के बोली नहीं मैम मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैंने कहा तेरा नहीं है तो तू अपना दिखा, तेरा कहां है? शिवानी बोली मेरा जहां होना चाहिए वहीं है, दिखा नहीं सकती। जस्सी बोला ओहो मतलब तू दो दो लाती है। मैंने कहा मैम झूठ बोल रही है, इसे अभी अंडी बंडी संडी दे दो अभी बता देगी। मैम कह रही है अंडी बंडी संडी क्या होता है? मैंने कहा माँ कसम से भी ज्यादा इफेक्टिव चीज है, लोग माँ कसम में झूठ बोल जाते हैं इसमें नहीं।